बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव में दिव्यांग महिला को उसके पति द्वारा दोस्त को ही बेचने का मामला सामने आया है। दोस्त ने भी दिव्यांग महिला के साथ शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म किया और एक बच्चे की मां बनाकर छोड़ दिया। महिला ने थाने में शिकायत दी तो पुलिस ने टरका दिया। पीड़िता ने SSP से शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दिव्यांग महिला की शादी 10 वर्ष पूर्व खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। पति से महिला के 2 बच्चे हुए, जिसके बाद पति ने पत्नी को अपने एक दोस्त को बेच दिया। आरोपी दोस्त महिला के साथ अपने गाँव और परिवार में रखने के बजाय नरसेना क्षेत्र के एक गाँव में रहने लगा। आरोपी ने 2 वर्ष तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और पीड़िता को 1 बच्चे की मां बना दिया। पीड़िता ने जब आरोपी से शादी करने को कहा तो छोड़कर फरार हो गया। ये मामला था कि वो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने? दीपक ने। कौन है दीपक? दीपक नैन सिंह का लड़का, कोड़ा संसावाद जी, औरंगाबाद के पास जी। अब वो तो कहता है कि मेरा पैसा है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, छोड़ता हूँ। क्या 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 हुई था, थोड़ा बताएं घटना क्या हुई थी? ये घटना ये हुई, मुझे चाची का धांसा दे के, जब कहता था कि मैं तुझे रख लूँगा, माँ बापन के रहेगी, मेरे रहेगी, जब बच्चा हो गया तो उन्होंने मुझे छोड़ के चले गए ऊँचे गाँव। अच्छा। और जब मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाही तो उन्होंने मेरे पे हमला करवाना शुरू कर दिया, मेरे घर पर धक्का मारते थे 11-12 बजे। जब इनकी कोई पेश ना पड़ी कि ये गेट ना खोलती है, फिर उसने हमला करा, धमकी रहा मेरी सोती की। आप थाने आई थी, क्या कार्रवाई हुई? थाने आई थी आप कल परसों में, क्या कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई ये हुई थी, इन्होंने कहा था मुकदमे की कॉपी वो नहीं आई है, मुकदमे के कागज जब आ जाएंगे आप कॉपी ले जाना। उसके बाद SSP क्या गई आप? फिर वहाँ पर गई थी, वहाँ पर जब वो कागज दब गए थे, इसलिए ये बोले पहले आप बुलंदशहर एक बार जरूर जाइए। जब मैं वहाँ पर पहुँची, इन्होंने महिला सेल में इन्होंने देखा तो आप तुम्हारा मुकदमा तो वो हो गया, तुम आप। अच्छा, आपके पति ने भी आपको बेचने का क्या आरोप है, क्या मामला है पति का, क्या मामला है? पति का ये मामला है कि थाने में भी धमकी दे के ये कह गया था कि तुझे तो बेच के ही खाऊंगा और तुझे तो ऐसे ही जहाँ बैठेगी वहीं बेच के खाऊंगा। आपके पति ने बेचा था आपको उसको? हाँ। महिला ने अपने साथ घटी घटना कई बार नरसेना पुलिस को सुनाई, लेकिन पुलिस ने महिला को न्याय दिलाने के बजाय हर बार टरका दिया। थककर महिला ने SSP से न्याय की गुहार लगाई तो SSP ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। थाना पुलिस ने SSP के आदेश पर महिला के पति बबली पुत्र खजान निवासी नगला मायापुर थाना खानपुर और उसके दोस्त दीपक पुत्र नैन सिंह निवासी कोड़ा शमशाबाद थाना औरंगाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शराबी पति के साथ शादी होने से दिव्यांग महिला पति से जन्मे 1 बेटा और 1 बेटी के पालन पोषण को लेकर पहले ही मुसीबतों का सामना कर रही थी। पति के हाथों दोस्त को बिकने के बाद 3रा बेटा और पैदा हो गया, वह भी उसे बीच भंवर में छोड़कर चला गया। अब महिला 3 मासूमों के पालन पोषण के लिए दर बदर भटक रही है। दिव्यांग होने के कारण बच्चों का पालन पोषण करना महिला के लिए संकट बना हुआ है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।